नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PRSU टीम पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। आज हम आपको PRSU न्यूज बुलेटिन में एजुकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जानकारी देंगे। पहली खबर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में BA, BCom, BSSC की पूरक परीक्षाओं में देरी होने से छात्र परेशान है। कोरोना काल में अध्ययन और अध्यापन प्रभावित हुआ, जिससे बहुत से छात्रों को फेल होना पड़ा। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरक परीक्षा की तैयारी करने की कदम से बचाव करने के लिए कदम उठाने की मांग की है, जिसके वजह से परीक्षा में देरी की जा रही है। दूसरी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की मुफ्त कोचिंग की योजना बनाई है। इसके लिए सरकारी स्कूलों का चयन केंद्र के तौर पर किया गया है, जिससे छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसके तहत नोडल अधिकारियों को मानदेय देने का प्रावधान रखा गया है। छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। तीसरी खबर, अब मेडिकल कॉलेजों में MBBS छात्रों की उपस्थिति को बेहतर ढंग से ट्रैक करने के लिए एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया जाएगा। छात्रों के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा और इससे उनकी उपस्थिति को नियमित रूप से मॉनिटर किया जाएगा। इससे छात्र अटेंडेंस की मॉनिटरिंग में सुधार होगा। चौथी खबर, mRNA तकनीक का उपयोग कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने में किया गया है, जिसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिक कारिकों और वीजमैन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। mRNA तकनीक में जेनेटिक कोड का छोटा हिस्सा शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम विकसित होकर बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। यह समय में तेजी से वैक्सीन विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। पांचवीं खबर, स्वामी आत्मानंद स्कूल में 25,000 से अधिक छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं मिला है, जिससे परिजनों को जेब में भार पड़ा है। स्कूल में पिछले साल एक जोड़ी गणवेश बांटी गई थी, लेकिन इस सत्र में यह समस्या उभरी है। हाउस ड्रेस का कंसेप्ट भी लागू किया गया है, जिससे पेरेंट्स की जेब में अत्यधिक दबाव है। इससे उनमें नाराजगी और असंतुष्टि है। छठवीं खबर, रायपुर में पहली बार रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्ती के लिए पुलिस 4 सड़कों पर टायर किलर मशीन लगाएगी। यह मशीन गलत दिशा से चलने वाली गाड़ी के टायर को पंचर कर देती है, जिससे उनमें कील घुस जाता है, गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देती। यह सिस्टम अन्य भारतीय शहरों में भी प्रयुक्त हो रहा है। रायपुर में इसे अगले महीने से लागू किया जाएगा। सातवीं खबर, गूगल मैप्स ने केरल के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर को गलत नेविगेशन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार पेरियार नदी में गिरी। 2 डॉक्टर्स और 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा गूगल मैप्स की निश्चितता पर सवाल उठाता है और सुरक्षा के मामले में सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाता है। आठवीं खबर, भीलवाड़ा राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पलटाने की साजिश का प्रयास हुआ, जहां बदमाशों ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर और लोहे की कीलें रखी थी। लोको पायलट की सतर्कता ने खतरे को भांपा लिया, जिससे हादसे को टाला गया। रेलवे पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। घटना भीलवाड़ा से करीब 40 किलोमीटर पहले सोनियाणा और गंगरार रेलवे स्टेशन के बीच में हुई थी। नौवीं खबर, तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 209 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर 1721 रुपए का हो गया है, पहले यह 1500 रुपए में मिलता था। दसवीं खबर, धमतरी के निजी नर्सिंग होम में अद्वितीय मामला सामने आया है, जहां 27 वर्षीय युवक के पेट में गर्भाशय की थैली मिली। डॉक्टर ने जटिल सर्जरी के बाद यह गर्भाशय निकाला। इसे परसिस्टेंट मलेरियन डक्ट सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें जीन में म्यूटेशन की वजह से गर्भाशय में फेलोपियन ट्यूब थी, लेकिन ओवरी नहीं। यह संकेत हो सकता है कैंसर या अन्य समस्याओं का। डॉक्टरों ने यह जांच की है और उपयुक्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्यारहवीं खबर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने DJ बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम और SDM कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। DJ बजाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए 10 बिंदुओं का नियम बनाया गया है, जिसमें संवेदनशील एरिया में DJ नहीं बजाने और आवाज के मानक का पालन शामिल है। इस कार्रवाई के अंतर्गत सख्ती से DJ संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।